अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगामे औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में कि यहूदी कैसे दज्जाल को पुकार रहे हैं और क्या 2021 दज्जाल का साल है। नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि यहूदी दज्जाल को क्यों पुकारते हैं और ये दज्जाल को मसीहा क्यों मानते हैं, यहूदियों का दज्जाल से क्या कनेक्शन है और ये आखिरकार इसे क्यों पुकार रहे हैं। ये सब मालूमात आपको मालूम होगी इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतरमाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन कराम, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को दूसरी उम्मतों पर बरतरी इसलिए हासिल है क्योंकि उनके हादियों रहनुमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उन्हें ज़माना आखिरत तक के मामलात के बारे में रहनुमाई फरमाई है। अहदीस की किताबों का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि ज़िंदगी के छोटे छोटे पहलू से लेकर क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों तक हर चीज़ के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कुछ न कुछ इरशाद फरमाया ही है। रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने क़यामत की जो निशानियों के बारे में और क़यामत की निशानियों के मुतालिक अपनी उम्मत को आगाह फरमाया है वो दो किस्म की हैं, अलामात कुबरा यानी के बड़ी निशानी और अलामात सुगरा यानी के छोटी निशानी। और तमाम उलमाए दीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम ज़माना आखिर में दाखिल हो चुके हैं और क़यामत की कई अलामात सुगरा यानी के छोटी निशानियाँ कई सूरतों में पूरी हो चुकी हैं और वो वक्त तेज़ी से करीब आता जा रहा है कि जब अलामात कुबरा यानी के बड़ी निशानियाँ भी जाहिर होंगी। और हम आपको आज इस वीडियो में क़यामत से मुतालिक एक बड़ी निशानी यानी के दज्जाल से मुतालिक बहुत सारी मालूमात बताएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह इसराइल में यहूदी अपने इस आखिरी मसीहा जिसको मुसलमान दज्जाल कहते हैं उसकी तैयारियों में मगन हैं और इस बरस दज्जाल के इस्तकबाल के लिए वो किन मंसूबों पर अमल दरस करना चाहते हैं। सेहूनी रियासत इज़राइल एक नए अलकुद्स की तामीर की मंसूबे पर काम कर रही है और इसी मंसूबे में मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल सुलेमानी की तामीर का इश्तियाल अंगेज मंसूबा भी शामिल है। मस्जिद अक्सा के हवाले से तीन मुख्तलिफ मराहिल में से वो रियासत काम कर रही है और इन मंसूबों का महज एक ही मकसद है कि अलकुद्स यानी बैतुल मुकद्दस से इस्लाम को ख़त्म करके इसे मुकम्मल तौर पर यहूदियों के कब्ज़े में लाया जा सके। इस मंसूबे का आगाज सन 2000 में हुआ था। इस मंसूबे के तहत इजरायली हुकूमत अलकुद्स यानी बैतुल मुकद्दस को अरब और इस्लामी तारीख शहर की बजाय खालिस यहूद शहूदी शहर में तब्दील करने की प्लानिंग रखता है। इजरायल के अलकुद्स प्रोग्राम को सेहूनी एक ख्वाब की शक्ल में यानी कि यहूदी एक ख्वाब की शक्ल में देख रहे हैं। अलकुद्स को पूरी दुनिया के यहूदियों का दारुल हुकूमत बनाया जा रहा है और अजीम तर यरूशलम के मजमूम मंसूबे के तहत यरूशलम यानी कि आज के दौर में जो फिलिस्तीन है उसमें 10 लाख यहूदियों को आबाद किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसराइल ऐसा करना क्यों चाहता है और यहूदी कौम ऐसा क्यों करना चाहती है। और नाज़रीन कराम, इसके जवाब को तलाश करने के लिए हमें तारीख की किताबों में जाना पड़ेगा और उनको झांकना पड़ेगा। यहूदियों की मुकद्दस किताब हिदायत के मुताबिक दुनिया का ये फेस 6000 साल पर मोहित है। यहूदी साल जैसा कि हमने आपको बताया सितंबर में शुरू होता है। 2017 की तफ्तीश के मुताबिक सितंबर के महीने में यहूदियों के मुताबिक दुनिया ने अपने 5778 साल पूरे कर लिए हैं और यहूदी अकायद के मुताबिक दुनिया ख़त्म होने में तकरीबन 200 साल और कुछ ज़्यादा साल बाकी हैं। उनके मुताबिक ये दुनिया 200 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर फना हो जाएगी। और इससे पहले यहूदियों को दो अहम काम करना है, एक तो ताबूत सकीना की तलाश और दूसरा हैकल सुलेमानी की तामीर। तारीख का मुतालिया हमें बताता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1000 साल कबल मसीह में यरूशलम में फतह हासिल की और उसे अपनी सल्तनत किंगडम ऑफ डेविड का दारुल हुकूमत बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलम यानी कि बैतुल मुकद्दस की बुनियाद पर यहूदियों का एक अजीम इबादतगाह तामीर करवाया और उसे शुरू किया। आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह तामीर जारी रखी।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ताबूत था और इसी ताबूत में पत्थर की वो तख्तियाँ भी थी जो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोहे तूर पर उतारी थी और इन तख्तियों पर अल्लाह तबारक व ताला के 10 अहकामात दर्ज थे। ताबूत में हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और वो बर्तन भी मौजूद था जिससे मनोसलवा आते थे। और नाज़रीन कराम, रिवायत के और तारीख के मुताबिक बताया जाता है कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह ताबूत इसी इबादतगाह की बुनियादों में छुपा दिया क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के दौर में बड़े बड़े जादूगर भी मौजूद थे और आपने अल्लाह ताला के हुक्म पर उन तमाम जादूगरों को कत्ल कर दिया और उस जादू के नुस्खों को भी इसी ताबूत सकीना यानी कि इस ताबूत में बंद करके इसी इबादतगाह के नीचे गारों में छुपा दिया। यहूदी इसी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादतगाह को हैकल सुलेमानी कहते हैं। यहूदियों का मानना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना और इस ताबूत में जो जादुई नुस्खे हैं वो बैतुल मुकद्दस के अंदर ही कहीं गार में छुपाए थे। चुनांचे ये लोग 3000 साल से बैतुल मुकद्दस के नीचे गारे खोदे जा रहे हैं और ये बैतुल मुकद्दस को गिराकर हैकल सुलेमानी को यहाँ तक फैलाना चाहते हैं और यही वो मंसूबा है कि जिसके लिए वीडियो की शुरुआत में ही हमने इस जानिब पर इशारा किया था कि इस मंसूबे का आगाज सन 2000 में बाकायदगी से किया गया था और ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के तहत इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचना है। यहूदियत, ईसाइत और इस्लामिक अकायद के मुताबिक कयामत से कबल दज्जाल का जहूर होगा, लेकिन नाज़रीन कराम सबसे ताज्जुब की बात यह है कि यहूदी दज्जाल को मसीहा कहते हैं जबकि ईसाई उसे एंटी क्राइस्ट का नाम देते हैं और यह हैकल सुलेमानी की तामीर के बाद ही जाहिर होगा। पूरी दुनिया के यहूदी इसराइल में जमा होंगे। दज्जाल इसराइल को किंगडम ऑफ डेविड डिक्लेयर कर देगा और दुनिया को फतह करना शुरू कर देगा और यही दज्जाल इनके साथ मिलकर पूरी ईसाई और मुसलमानी दुनिया को तबाह बर्बाद करना चाहेगा और रिवायात के मुताबिक ये जंग कई साल तक जारी रहेगी। दुनिया मलबे का ढेर बन जाएगी, यहाँ तक के दुनिया के कदीम तरीन शहर दमिश्क में अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा जहूर होगा और वो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा करेंगे और ये दोनों फिर दज्जाल के खिलाफ सफ़े आरा हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी जंग का आगाज होगा और यहूदी इस जंग को आर्मगेडन कहते हैं और आज वो इसी जंग की तैयारियां भी कर रहे हैं। दज्जाल के इस्तकबाल के लिए वो बैतुल मुकद्दस को गिराकर वहां तक हैकल सुलेमानी की तौसीह करना चाह रहे हैं ताकि दज्जाल जब जाहिर हो तो वो यहां पर किंगडम ऑफ डेविड का ऐलान कर सके और यहूदी उसकी क़यादत में दुनिया को फतह करना शुरू कर दें। लेकिन नाज़रीन कराम, ये तो यहूदी अकायद है, लेकिन इस्लामी अकायद कुछ और ही कहते हैं। हमारे अकीदे के मुताबिक तो मुसलमान ये आखिरी जंग जो होगी इसे जीत जाएंगे। फतुहात के बाद इस्लामिक रियासत भी बनेगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 45 बरस की जिंदगी गुजार कर विसाल फरमाएंगे और उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाएगा और यहूदी अकायद के मुताबिक ये जंग दज्जाल जीत जाएगा और उसके बाद यरूशलम के मुजाफात में जबले जैतून माउंट ऑफ ऑर्लीज फट कर दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और ये कयामत की पहली निशानी होगी। माउंट ऑफ ऑलिव यानी के जबले जैतून पर यहूदी दफन होना एक एजाज समझते हैं और यहूदी दिन में 3 बार दज्जाल की आमद की दुआ करते हैं और ये दुआ शमूने असरे कहलाती है। ये लोग अब बिलाशुबा कयामत की 4 सुन रहे हैं। ये रोज दिन में 3 मरतबा शमूने असरे करते हैं यानी के दज्जाल को पुकारते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, उसकी आमद के लिए दुआ करते हैं और ऊंची आवाज में अभी भी ये दज्जाल को पुकार रहे हैं। चुनांचे ये आवाज़ सुनने की देर है कि ये दुनिया चक्की के दो पार्टों के दरमियान पिस कर बराबर हो जाएगी। जिन लोगों के दिल ईमान से भरे हुए हैं, जो अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत के दावेदार हैं, उन्हें तो इस पूरी सूरत हाल से कोई परेशानी नहीं है, कोई भी मुसीबत नहीं है क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये सब कुछ होकर रहेगा और आखिरकार फतह मुसलमान और अहले ईमान लोगों की ही होगी। लेकिन आने वाले साल की हौलनाकियों का अंदाज़ा लगाते हुए ही अहले नज़र ये कहते हैं कि तमाम लोग अल्लाह तबारक व ताला से जितनी माफ़ी मांग सकते हैं मांग लें, जितनी सुख की सांस ले सकते हैं ले लें, जितना इस्तग़फ़ार कर सकते हैं कर लें और अल्लाह तबारक व ताला का जितना शुक्र अदा कर सकते हैं कर लें क्योंकि खतरे की घंटियाँ अब बज चुकी हैं। अब बस एक धमाके की देर है और दुनिया में इख्तिताम का आगाज़ हो जाएगा और हम अपनी आंखों से अपनी दुनिया को खिजा के पत्ते की तरह उड़ता हुआ देखेंगे। चुनांचे हमारी अल्लाह तबारक व ताला से हरदम यही दुआ रहना चाहिए कि जब तक हम जिंदा हैं हमारी हर सांस
नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तकलीद ही में गुजरे, और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा ईमान पर हो। और अगर नाज़रीन कराम हमारे सब्सक्राइबर और हमारे जानने वाले और सुनने वाले लोगों की भी यही दिल की सदा है तो कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। तो नाज़रीन कराम, ये थी मालूमात कि यहूदी दज्जाल को क्यों पुकार रहे हैं और यहूदी दिन में 3 बार दज्जाल को पुकारते हैं और वो क्या कह के पुकारते हैं, ये भी आपको मालूम पड़ गया होगा, और इनका दज्जाल से क्या रिश्ता है ये भी आपको मालूम पड़ गया होगा। एक ज़रूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाकया हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाकया, करामात या कोई मालूमात पेश करें, तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल, पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के सदके तुफैल हम सबको सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और ऐ परवरदिगार हमें जब तक दुनिया में रखे ईमान के साथ रख, और दुनिया से जब उठाए तो ईमान के साथ उठा। आमीन सुम्मा आमीन। सुनाज़िन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया इकराम के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।